क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट इन टू कंप्लीट सर्कल। अब देखो एक वायर है, दिस इज द वायर, ये एक वायर है, इट्स लेंथ इज एल, इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन इज ए, इट्स रेजिस्टेंस इज आर। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पर हमारे पास दो वायर है, एनी अप टू डायमीटर अपोजिट वायर यहाँ से कनेक्ट है। अब अगर मैं ए और बी को बेंड कर देता हूँ, ए और बी को एक बेंड करके कंप्लीट सर्किल बना देता हूँ, इसको मैं एक कंप्लीट सर्कल बना दिया, दिस वायर इज मेकिंग टू कंप्लीट सर्कल लाइक दिस। ये तो ये इस सर्कल का सेंटर हो है, इसकी रेडियस कुछ आर होगी। अब ये कहता है टू अपोजिट डायमेट्रिकली के पास रेजिस्टेंस ऑफ द टू अपोजिट डायमेट्रिकली, अपोजिट डायमेट्रिकली मतलब दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए एंड डायमेट्रिकली अपोजिट दिस पॉइंट इज बी। तो नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी हमको कैलकुलेट करना है, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो अपर वाला पार्ट है उसमें कुछ रेजिस्टेंस आया होगा और जो लोअर वाला पार्ट है वायर का उसमें कुछ रेजिस्टेंस आया होगा, लेकिन जो भी आया होगा इक्वल आया होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना था, टोटल रेजिस्टेंस आर था, तो अपर आ जाएगा रेजिस्टेंस आर बाई टू और लोअर नीचे आ जाएगा आर बाई टू, क्योंकि लेंथ इक्वल है तो ये रेजिस्टेंस आर बाई टू आर बाई टू। तो ये जो सर्किट है वो मुझे कुछ ऐसी दिखेगी, तो अपर ये रेजिस्टेंस ऐसे कुछ हमें दिखेंगे और कुछ ऐसे, ये आर बाई टू और ये आर बाई टू, ठीक है। तो ये दोनों आर बाई टू आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होता है आर बाई टू का, आर बाई टू अपॉन टू दैट इज आर बाई फोर इज द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। तो ए बी के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट इज आर बाई फोर, दैट इज ए ऑप्शन हम लोगों का सही है। तो अपोजिट पॉइंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी अपोजिट पॉइंट, तो ये वाली चीज हम लोग को कैलकुलेट करनी थी। चलो नेक्स्ट वीडियो पॉज करो।